सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। वो लोग मेरे पास है रुत्सर्ट, मैंने ही उन्हें अगवा किया है। मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? तुम मेरी बहन रुबीना से दूर रहोगे। इस्माइल हक्की साहब के पास हैकले सुलेमानी तक पहुंचने वाला एक नक्शा मौजूद है। वो नक्शा इस्माइल हक्की साहब के पास क्यों है? कुछ नक्शे हमारे शेख ने खानकाह में अमानतन रखे हुए हैं। ठीक है, बताओ उन्हें कैसे तलाश करूं? एक दरवाजा है जिसके तीनों तालों की चाबी अलग अलग जगहों पर है। वो मकामात कहाँ हैं? कुतुब खाना, इतर की दुकान और खानकाह। मुहाफिजों ने कहा कि ये आपका हुक्म है, हालांकि आप इसी के मुस्तहिक थे, लेकिन फिर भी हमने हुक्म नहीं दिया। अपनी हर चीज को खोने से बचाने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम उसे चोरी कर लें। शिवनाज, लेकिन जब हम जान लेंगे कि आप हमारे दुश्मनों से मिले हुए हैं, तो उस वक्त हम आपको ढूंढ निकालेंगे। फरार का कोई रास्ता नहीं होगा आपके पास। जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब दूसरी चाबियां लेने जाएंगे। आपकी इसी सखावत की वजह से हम आपको एक कीमती तोहफा देना चाहते हैं। ये जेवर कबूल कीजिए। कौन ले गए उसे? शहजादा अब्दुल कादिर और उनके मुहाफिज। अगर दूसरे बच्चे को बचाना है तो जल्दी बैठो अंदर, सब हल हो जाएगा। आप बस अब्दुल हमीद से इजाजत हासिल कर लें, बाकी सब हल हो जाएगा। अगर आप बरतानवी फलस्तीनी कंपनी के लिए मराहत और इजाजत दे देते हैं तो ये मामला हल हो जाएगा और साबिक नायबीन मिल जाएंगे। बरतानवी बहरिया वापस चली जाएगी। चले जाओ यहाँ से आप, और पुराने नायबीन को लेकर आओ यहाँ पे। कारसो पेम्बेरी, मुझे खुशी है कि आप मेरे इस्तकबाल के लिए आए। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब्दुल हमीद मर गया है क्या? इतनी भी अच्छी खबर नहीं, लेकिन आप इस खबर को सुनकर और भी खुश होंगे। तो फिर कौन सी खबर है? फलस्तीन में मैंने इसराइली रियासत के कायम के लिए एक बड़ा इकदाम उठाया है। याद रखिएगा, आपका हशर भी पिछले लोगों की तरह ना हो। नहीं, फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यकीन करो। चलो मैं तुम्हें अपना बेहतरीन मंसूबा बताता हूँ। तो आप यहां हैं। मैं महल से जाने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी स्नेहा सुल्तान, आपने मेरी बिदार सुल्तान का एतमाद जीतने में मदद की। देखें,
बहुत अच्छा लग रहा है ना मुझ पर। आप इस कीमती जेवर की मुस्तहिक नहीं है। खुशकिस्मती से बिदार सुल्तान आपकी तरह नहीं सोचती। शेवनास खातून, आपकी बग्गी आ चुकी है। हमें लगता है आज आपको बहुत काम करने हैं। अभी महल आई थी और अब फिर जा रही हैं। इंसान अपने नजरियात के उसूल के लिए बहुत मेहनत करता है ना? दोबारा जरूर मिलेंगे सिनेहा सुल्तान। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। नहीं, मुझे मलबूसात की दुकान पर कुछ काम है। वेम्बेरी, क्या तुमने इन सबको अगवा किया है? हाँ, ऐसा ही है। ये वो लोग हैं जिनके पीछे अब्दुल हमीद और रोथचाइल्ड हैं। बर्तानवी इन लोगों की वजह से हमलावर होने वाले हैं और ये मेरे हाथ में है। तो यानी तुम इन लोगों को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करोगे? रोथचाइल्ड को बर्तानवी फलस्तीनी कंपनी कायम करने के लिए कहा है मैंने। वो इस कंपनी के लिए अब्दुल हमीद से इजाजत हासिल करेगा। इस तरह यहूदियों को फलस्तीन में आबाद करने का ख्वाब हकीकत बन जाएगा। बिल्कुल। रोथचाइल्ड से मुतालिक दस्तावेजात कहाँ हैं? आपके खुफिया कमरे की अलमारी में हैं। सुल्तान मुअज्जम, बर्तानवी आ रहे हैं, हम क्या करेंगे? हम इस मसले को हल करेंगे पाशा, अब हम मालूमात का इंतजार करेंगे। अगर न मिली तो आप बताइए क्या होगा पाशा। हम अपनी बंदूकें उठाएंगे और बर्तानवियों की आंखों में आंखें डालकर शेरों की तरह लड़ेंगे सुल्तान मौसम। यह है जवाब महमूद पाशा। वक्त गुजरता जा रहा है। गुजर चुका है शिवनास। वैम्बेरी से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ। आप क्या करेंगे? हम नहीं, तुम करोगी शिवनास। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं। मैं बेशुमार खूनरेज जंगों से निकलने में कामयाब रही हूँ। अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है, अगर वो तुम्हें पकड़ लेते हैं, तो तुम्हें बचाने के लिए हम अपनी हर चीज को दांव पर लगा देंगे। लेकिन आखिर में मैं जानती हूँ कि आप हार मान लेंगे, क्योंकि आपकी सल्तनत को नुकसान पहुँचेगा। नहीं, आप जनाब रोथचाइल्ड हैं। आपने अपनी सल्तनत को नुकसान से बचाने के लिए अपनी बेटी को ही यानी मुझे कबूल नहीं किया। मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी कहूंगी, यही कि आप मेरे बाबा हैं और आपके लिए मैं कुछ भी करूंगी। आखिर आप आ गए, बताइए क्या किया उनके साथ? इनकार मत कीजिएगा, आपने उसे अगवा कर लिया है, उनके हमसायों ने बताया है। आप फिर उसके घर गई हैं ना? शर्म आनी चाहिए ना हमें। हमें क्यों आनी चाहिए? हमने तो कुछ गलत नहीं किया है। पहले उस पर तशद्दुद किया और ये सब करके दिल नहीं भरा तो अगवा भी कर लिया। क्या आपने ऐसा किया है अब्दुल कादिर? जी, हमने किया है। आपने उसे मार डाला, क्या उस पर तशद्दुद करना काफी नहीं था कि कत्ल भी कर दिया आपने? नाइमे, बस कीजिए, बस। पहले समझने दें कि हुआ क्या है। अब्दुल कादिर इस तरह कुछ नहीं कर सकता। आप एक कातिल हैं, कातिल हैं आप। आप कातिल हैं अब्दुल कादिर, कातिल।
कातिल हैं आप, अब्दुल कादर कातिल हैं आप, कातिल। बस कीजिए। आइए नाइमे, आइए। आइए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। क्या ये ठीक है? ये ठीक हो जाएंगे सुल्ताना, मजबूत आदमी है, मैंने जख्मों पर पट्टी कर दी है, ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इजाजत चाहता हूं सुल्ताना। हमने इसके साथ कुछ नहीं किया नाइमे, हम इसके पास गए थे पूछने के लिए कि इसने हमारा नाम क्यों लिया, लेकिन ये बोलने की हालत में नहीं था। शुक्रिया आपका कि आप इसे यहां ले आए। यहां इसलिए लाए क्योंकि जब ये ठीक हो जाएंगे तो हमें इनसे कुछ कहना है। हम शहजादों को हर हुनर, हर मजमून की और वस्फ की बहुत अच्छी तरह तालीम दी जाती है, ताहम सबसे अहम तालीम जो दी जाती है वो अपने आबाओ अजदाद की तरह दूर अंदेश होना है। इसलिए सबसे पहले हम एक मुनसिफ है नाइमे। कोई हमारे कितने ही खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन हम किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप ये अच्छी तरह जानती हैं। जब आपने गुस्से में कहा था कि आप इसे मार डालेंगे तो मैंने सोचा कि शायद। बदकिस्मती से बास औकात हम तलख अल्फाज भूल जाते हैं। क्या आप जानती हैं कि हमारे बाबा और असातिज़ा ने हमें सबसे पहले क्या सिखाया है नाइमे? हमारे दादा सुल्तान मोहम्मद फातेह इस्तांबुल की वसीयत। उन्होंने इस्तांबुल की हर गली में दो अहलकार मुकर्रर किए ताकि उनकी तनख्वाह उस रकम से अदा कर सकें जो वो खुद मेहनत से कमाते थे। ये लोग दिन के मखसूस औकात में गलियों में घूमते थे और उनके हाथ में मौजूद बर्तन में चूना और कोयले की राख होती थी नाइमे। सड़कों पर अगर लोग थूक देते थे तो वो ये राख उस पर डाल देते थे। इसके अलावा 10 खास तबीब एक मखसूस काम के लिए तैनात होते थे। ये लोग महीने के कुछ खास दिनों में इस्तांबुल की गलियों में जाते और हर दरवाजे पर जाकर ये सवाल करते कि इस घर में कोई बीमार शख्स तो मौजूद नहीं है, अगर कोई बीमार होता तो उसका मुफ्त इलाज करते, अगर कोई वहां सेहतियाब ना होता तो वक्त जाया किए बगैर उन्हें शिफाखाने मुंतकिल कर देते जहां उनका मुफ्त इलाज किया जाता और वो सेहतियाब हो जाते। हमारे दादा ने कभी किसी मुखालिफ का इलाज करने से मना नहीं किया, ये अमल सबके लिए था। हमने इन तमाम जिम्मेदारियों के साथ परवरिश पाई है नाइमे, बराए मेहरबानी हमारे बारे में कुछ भी मनफी सुनने से पहले तस्दीक कर लिया कीजिए। आ जाएं। सुल्तान मौसम, शिवनाज खातून आपसे मिलना चाहती है। इजाजत है। सुल्तान मौसम, आइए शिवनाज खातून, आप हमसे मिलना चाहती थीं। जी हाँ, आपने आज तक मेरी इस महल में मेजबानी की है, हर चीज के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। आप जा रही हैं? जी हाँ, आप इजाजत दे तो सयाहत के लिए जाना चाहती हूँ मैं, लेकिन यादगार के तौर पर कुछ लेना चाहती हूँ। वो क्या है? मैंने एक किताब आपके कुतुबखाने में देखी थी, वो किताब शेरलॉक होम्स की है, उस पर आपके दस्तखत भी है, यादगार के तौर पर वही किताब ले जाना चाहती हूँ। तो क्या आपको जासूसी कुतुब पढ़ना पसंद है? जी बहुत ज्यादा। ठीक है, तहसीन पाशा। जी सुल्तान मौसम। शिवनाज खातून को उनकी पसंद की किताब ला दीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। बहुत शुक्रिया सुल्तान मौसम, लेकिन एक बहुत खास किताब चाहिए मुझे, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद इंतखाब करूंगी। बिल्कुल, तहसीन पाशा के साथ आप कुतुबखाने में जाइए और जो किताब पसंद हो ले लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तान ने मौसम, हर चीज के लिए। अहमद पाशा,
क्या आपकी सख्त मिजाजी आपके लिए और दूसरे लोगों के लिए भी मुश्किल और बुरी सूरत हाल का सबब नहीं बनती हैं? यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सियासत कर रहे हैं और आपका हाथ तलवार पर है। हमारी रगों में साफ खून है पाशा। अपनी सख्त मिजाजी के बायस मैंने जो खून बहाया है वो बिल्कुल साफ नहीं था, इसलिए बहा दिया। मैं साफ खून कभी नहीं बहाता, ना ही बहाऊंगा। मेरा मिजाज सख्त है, दुरुस्त है, लेकिन मैं रियासत के मुखालिफीन के सामने एक सीसा पिलाई दीवार बनना चाहता हूं पाशा। मेरा मकसद पुरानी मिट्टी को खोदकर फिर नया बाग तामीर करना है। पाशा, आपका पुरानी मिट्टी कहने से क्या मुराद है? इससे मुराद है उस्मानियों, तुर्कों और इस्लाम की तारीख पाशा। हर चीज हमारी सरजमीन में दफन है। वो हाथ जो इनको ढूंढेंगे वो सिर्फ सुल्ताने मौज़म के होंगे, क्या आपको नहीं लगता है? बेशक जनाब। अपने शानदार माजी से वो खजाना तलाश करने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ कोशिशें कर रहे हैं। पाशा, कैसा खजाना? पाशा, ये एक ऐसा खजाना है जो सोने और जमरुद से ज्यादा बेश कीमत है। ये क्या कह रहे हैं पाशा? मतलब ये कि सुल्तान मुअज्जम इस खजाने को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, तलाश कर रहे हैं वो। ऐसा खजाना जो हजारों संदूकों में पोशीदा है। अल्लाह अल्लाह, उन संदूकों में ऐसा क्या है? ये कौन सा खजाना है? इंसानियत पाशा। उन संदूकों में वकार, इज्जत और हमदर्दी है। इस खजाने में मुस्तकबिल की हिफाजत और आलमी सल्तनत बनने का रास पोशीदा है। बेशक हम ये सब अल्लाह की मदद से हासिल करेंगे। मैं समझ गया पाशा, ये तमाम फजीलतें बहुत अच्छी और बाबरकत हैं, लेकिन उस संदूक में कोई जमरुद या सोना वगैरह नहीं है। पाशा, ये खास टेलीग्राम है। शुक्रिया पाशा। क्या हुआ पाशा, कुछ बुरा हुआ है क्या? ये वकील की तरफ से आया है, जाती तौर पर सुल्तान मौसम से मिलना चाहता है वो। उसके बाद ही वो मालूमात फराम करेगा। पाशा, ये एक अहम खबर है, हमें सुल्तान मौजम को फौरन आगाह करना चाहिए। पाशा। जी पाशा, क्या हुआ? पाशा, आप उन लोगों में से एक हैं जो सुल्तान मौजम की हिफाजत की अहमियत को जानते हैं। बेशक, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर हमें यह खबर सुल्तान मौजम से पोशीदा रखनी होगी। अगर सुल्तान मौजम को मालूम हुआ तो वो चले जाएंगे। वो चाहता है कि वो अकेले आए। सुल्तान मौसम हालात से कता नजर रियासत की खातिर तनहा चले जाएंगे। हम उन्हें किसी सूरत बचा नहीं सकेंगे पाशा। यही सबब है कि मालूमात सुल्तान मौसम से पोशीदा रखनी होंगी। ठीक है पाशा, उनकी तरफ से फिर कौन जाएगा? मैं जाऊंगा पाशा। अहमद पाशा, कसम खाकर कहता हूं, अगर सुल्तान मौजम को इसका इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। वो मुझ पर गुस्सा हो सकते हैं पाशा। हम बर्तानिया को इस सरजमीन से बाहर भेज सकते हैं, लेकिन सुल्तान मौजम की तरह हम कोई दूसरा शख्स नहीं ढूंढ सकते। जी बिल्कुल, अगर कुछ होना है तो मेरे साथ होगा। अल्लाह माफ करे पाशा, अल्लाह माफ करे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे हमें। लेकिन आपने बहुत अहम फैसला किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यानी मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं पाशा। आप पुरसकून रखिए खुद को। आप कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है पाशा।
ये सुल्ताने मौसम का खास कुतुब खाना है। जी बहुत सुना है। डोयल ने वो किताब 1891 में शाया करवाई थी। नाम बोहिमा स्कंदर है। सुना है कोनान डोयल सुल्तान मुअज्जम के करीबी दोस्त थे, क्या ये सच है? और इसके अलावा वो खतों की दावत भी करते थे। दुरुस्त फरमाया। दोयले साहब अपनी हर नई किताब पर दस्तखत करके भेजते हैं। आपको यही किताब चाहिए? मैं आपको परेशान कर रही हूँ, मगर ये वो किताब नहीं है। क्या वाकई? शिवनाज खातून, आप वहां नहीं जा सकती। माजरत चाहती हूँ, मुझे लगा कि शायद यहाँ मिल जाए। शायद इस किताब की तलाश है आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वाकई बहुत कीमती तोहफा दिया है मुझे। शुक्रिया आपका। हमने मालूमात हासिल कर ली है। बताइए खलील खालिद साहब। सुल्तान मौसम विटिनो दो मकासद की वजह से पाया तख्त आया है। पहला मकसद साबिक नाइबीन को अगवा करना और दूसरा हैकल सुलेमानी का नक्शा हासिल करना। इस्माइल हकी साहब को क्यों अगवा किया गया हम समझ गए हैं। उनके हवाले से कोई और खबर है तो बताइए। हमारी किताबों की दुकान के बाहर लड़ाई हुई, लेकिन वो उन्हें लेकर फरार हो गए। हम चाहते हैं कि साबिका नाइबीन और इस्माइल हकी साहब को जिंदा सलामत ही दिखें। जो आपका हुक्म सुल्ताने मौसम। रुबीना, सांदर कहाँ है? वो सो गया। बहुत खूब। मैं तुमसे तुम्हारे भाई गारू के मुतालिक बात करना चाहता हूं। किस बारे में? अपने भाई से मोहब्बत करती हो तुम? बिल्कुल जॉरस, हर बहन अपने भाई से मोहब्बत करती है। लेकिन समझी नहीं, ये क्यों पूछ रहे हो तुम? मेरा मतलब, तुम्हारा भाई नहीं चाहता कि मैं तुमसे शादी करूं रुबीना। मुझे गारू पसंद है, लेकिन उसकी चाहत से मुझे कोई गर्ज नहीं। मैं तुमसे शादी करूंगी रुबीना। गारो क्या सोचता और चाहता है मेरे लिए वो बहुत अहम है। अगर हमने उसे राजी नहीं किया या फिर उससे इजाजत नहीं ले सके, तो फिर हमें अपनी शादी को मौखर करना होगा। गारो मेरे दोस्त, तुम कब आए? मैं भी आया हूं, कुछ मालूमात देनी थी। खलील खालिद और विजिनो आज अत्तार की दुकान पे जाएंगे। अगर तुम उन दोनों को मारना चाहते हो तो आज रात ये काम कर सकते हो। लार्स को इत्तला दे दो कि तैयार रहे। हम आज रात अपने तमाम दुश्मनों को मारकर नई जिंदगी का आगाज करेंगे।
सुल्तान मुअज्जम, क्या आप परेशान नहीं हैं? बरतानवी बहरी अपने जहाजों के साथ आ रही है और उनका कहना है कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ हम पर हमला आवर होंगे। बरतानिया, रूस, फ्रांस और जर्मनी बजाहिर ताकतवर दिखते हैं, उस मोर की तरह जो दो पतली कमजोर टांगों के सहारे खड़ा होता है, मगर उसकी खूबसूरती उसके परों में मौजूद होती है। वो अपने बदनुमा पैरों की वजह से ही खड़ा होता है, लेकिन हमारी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि हम वो मोर नहीं है। लेकिन वो मगरिब में अशराफिया का वजूद है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि मगरिब में रहने वाले अशराफिया के बलबूते पर अपनी रियासत बना रहे हैं, यानी लोगों का हुकूमत पर गलबा। हमारे पास रूहानी अशराफिया थी पाशा, उन्होंने अपनी रियासत अजीम लोगों के अहले खाना को सौंप दी और हमने इसे अजीम शख्सियत पर छोड़ दिया। अगर वहां अवाम की मर्जी है तो यहां पर अल्लाह के इंसाफ की हुकूमत है। हक की मर्जी का मतलब सिर्फ रब की मर्जी ही नहीं होता, बल्कि हक की मर्जी की बात करते हैं। इंसाफ पर मबनी नुमाइंदगी जो हमारे रब ने हमें सिखाई है, वो हक की तमसील है। हम इस अहद को जिंदा करके ही एक अजीम रियासत बन सकते हैं पाशा। सुल्तान मुअज्जम, मुतजस्सिस हूं और एक सवाल करना चाहता हूं, माफ कर दीजिएगा मुझे, लेकिन क्या मगरिब का कोई भी नजरिया हमारे लिए कारामद नहीं हो सकता? दुश्मन कभी फूल नहीं भेज सकता पाशा। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, कहिए पाशा। शिवनास खातून को तोहफा दे दिया है हमने। आफरीन। अहमद पाशा को देखा है कहीं आपने? नहीं सुल्तान मुअज्जम। आपने देखा है उन्हें कहीं महमूद पाशा? कुछ ही देर पहले मैं उन्हीं के साथ था। क्या आप जानते हैं कि वो कहां गए हैं? मैं झूठ नहीं बोल सकता सुल्तान मुअज्जम। तो झूठ मत बोलिए पाशा। सुल्तान मुअज्जम, वकील की तरफ से इत्तला आई थी, वो आपसे जाती तौर पर और अकेले में मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद थे। दरअसल अहमद पाशा आपसे छुपकर उससे मिलने गए हैं, ताकि वो आपको किसी भी किस्म के खतरे से बचा सकें। सुल्तान मुअज्जम, माफी चाहते हैं हम आपसे कि हमने आप पर यकीन नहीं किया। हम बहन भाई हैं, हम सिर्फ आपकी बेहतरी चाहते हैं। हमें एहसास है कि आप क्या महसूस कर रही हैं। मोहब्बत इस दुनिया का बहुत खूबसूरत एहसास है, हमें भी मोहब्बत होती, लेकिन आपकी मोहब्बत कितनी ही अजीम हो, बाजों का थकाई आपके सामने पहाड़ की तरह खड़े हो जाते हैं, जिसे पार करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल फरहाद और शीरी की मोहब्बत की तरह, और फरहाद ने पहाड़ों को चीर दिया क्योंकि उन्हें मोहब्बत थी। लेकिन आखिर में उनका अंजाम खुशगवार क्यों नहीं हुआ? आप आरिफ के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे, नहीं में याद रखिएगा। क्यों नहीं? क्या आप देख नहीं सकते कि हम किस कदर तकलीफ में हैं? जो तकलीफ बर्दाश्त ना कर सके, या तो वो दीवाना हो जाता है या मुर्दा हो जाता है। हमने भी बर्दाश्त किया है, हम भी तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं नाई में, लेकिन वो जख्म जो हमें मोहब्बत में मिले हैं, वो मजीद गहरे होते जा रहे हैं।
कसम खाता हूँ सनेहा, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपको सब कुछ याद आ गया है। देखिए ना, आपने आज वही सब कुछ बनाया है जो मुझे बहुत पसंद है। तो फिर शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं महमूद? जी बिल्कुल शुरू करने लगा हूँ। जी कीजिए। बिस्मिल्लाह, देखते हैं ये कैसी है। सनेहा, ये बहुत ही शानदार है। बहुत शुक्रिया। तो सनेहा, आपने उस रकम का क्या किया, क्या खैरात कर दी? जी कर दी महमूद। ओह ओह, अच्छा तो आपने अपने जेवरात भी खैरात कर दिए? जी खैरात कर दिए महमूद। ओह ओह ओह, यानी आपने अपने तमाम जेवरात और रकम खैरात कर दी है? जी हमने सब खैरात कर दिया। ओह ओह ओह, यानी अच्छा किया आपने। आप मेहनत और काम करके और कमा सकते हैं महमूद। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, अगर जिंदगी ने वफा की तो जरूर कमा लूंगा मैं सनेहा। बिल्कुल, अब हमें रहने की जगह भी तलाश करनी होगी। इसका क्या मतलब है? क्योंकि हमने घर अतिया कर दिया है महमूद। क्या? आपने घर अतिया कर दिया? यानी कि आपने हमें घर से बेघर कर दिया है? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं सनेहा? ठीक है महमूद, परेशान ना हो, पुरसुकून हो जाएं। ये घर हमारा ही है, हम बस मजाक कर रहे थे आपसे। अल्लाह तेरा शुक्र है, कसम से मैं पागल होने वाला था। मतलब ये कि मेरी जिंदगी बहुत लंबी नहीं है सनेहा, आप किसी दिन मुझे मजाक मजाक में मार देंगी। इस तरह तो मत कहिए, हमने कहा ना मजाक कर रहे थे। वैसे आप खौफजदा हो गए थे। मैं वाकई डर गया था, आप घर कैसे हत्या कर सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। अमानत लेने आया हूं मैं। ठीक है जनाब, अंदर आ जाइए। चाचा वो अंदर चले गए, क्या हम कार्रवाई का आगाज करें? अमानतदार का इंतजार करेंगे। चाचा वक्त कम है, वो कुछ ही वक्त में चले जाएंगे। हमें इंतजार करना होगा उमर। हम जा सकते हैं? रुको, कोई मसला है क्या? नहीं अहमद साहब, एहतियाती तदबीर है। वो वहां है। कहां? उस गाड़ी के अंदर। फिर हम क्या करें? ततार, शुरू करो कार्रवाई।
गारो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पुरसुकून रहो तातार, पुरसुकून। मैं आज रात तमाम हिसाब पूरा करके यहां से चला जाऊंगा। सच कह रहे हो तुम, आज सारे हिसाब खत्म हो जाएंगे। जिन्होंने हमारे प्यारे दोस्तों को मारा है उन्हें आज रात मरना होगा। जल्द ही पाए तख्त तबाह हो जाएगा, लेकिन अफसोस कि तुम वो दिन नहीं देख सकोगे। हमारे जाने के बाद इन सबको कत्ल कर देना, सबको। खलील खालिद, आज हम में से नहीं मरेगा कोई। हम वापस जा रहे हैं। तातार, खानकाह में एहतियाती तदाबीर की हैं? जी हाँ जनाब। तुम कौन हो? हम हैं पाशा। सुल्तान मौसम। वकील कहाँ है? वो भाग गया, शायद खौफजदा हो गया। अब हम उसे कहाँ तलाश करेंगे पाशा? हमें सारी मंसूबाबंदी उससे हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक करनी थी।
यही है मिल्क है। मिला आखिर तुम्हारी जहानत इस बार हार गई अब्दुल हमीद, और आगे भी हारोगे। आ जाएं। सुल्तान मौसम, आप जा सकते हैं पाशा। जो आपका हुक्म। दरवाजा खोलिए। आप हमें बताए बगैर ही चले गए पाशा। सुल्तान मौसम, अगर मैं आपको खबर कर देता तो फिर आप तन्हा चले जाते और न जाने आपको किन खतरात का सामना करना पड़ता। हम रात के उस पहर जंगल में आपकी हिफाजत करने से कासिर थे। अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर आपकी नाराजगी मोल लेकर यह फैसला किया था मैंने। मैं हर तरह की सजा के लिए तैयार हूं। हम आपको सजा नहीं देंगे पाशा, क्योंकि हम आपकी नीयत को जानते हैं, लेकिन आपने जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की उनसे हमारा मंसूबा तबाह हो गया है। वकील से हमारी मुलाकात एक बार फिर मंसूख हो गई। कसूरवार हूं मैं, लेकिन मेरी इससे बड़ी गलती उस सरदार के तौर पर एक रियासत के सरबराह को खतरे में डालना होता जो बरतानवी जहाज यहां आ रहे हैं उनका मुकाबला सफे अव्वल में खड़े होकर करेंगे। उनकी तोपों से जो गोले निकलेंगे उन्हें रोकने के लिए अपना सीना आगे कर देंगे हम, लेकिन आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। ना तो हमें कुछ होगा और ना ही हमारी रियासत को पाशा। इंशाल्लाह बर्फ पिघलेगी और सूरज भी तुलू होगा। जब तक हम अपने फराइज बखूबी अंजाम देते रहेंगे कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। असल अब भी हमारे पास ही है। हमने यह मंसूबा यहां मौजूद आपके मोहरों को तलाश करने के लिए बनाया था। मैं आपको रियासत से गद्दारी और धोखादही करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं बाबा।